अभिनेता सुशांत सिंह मौत मामले में जांच के 14वें दिन सीबीआई ने पहली बार सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की। इन डॉक्टरों में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजेन वॉकर का नाम भी है शामिल है। सामने आई जानकारियों के मुताबिक डॉक्टर सुजेन वॉकर ने पिछले कई सालों से सुशांत की डिप्रेशन की बीमारी का इलाज किया है और ऐसे में वो सीबीआई के जांच में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। डॉक्टर सुजेन वॉकर दोपहर करीब 1 बजे सीबीआई के गेस्ट हाउस पहुंची, जहां पर पहले से ही केस से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे। लेकिन डॉक्टर सुजेन का पहुंचना इस वजह से सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि उनके बयान के आधार पर सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के मरीज थे या नहीं। हालांकि सुशांत का परिवार लगातार सुशांत के डिप्रेशन में होने की बातों से इनकार करता रहा है। परिवार की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि सुशांत डिप्रेशन के मरीज नहीं थे। परिवार के मुताबिक पिछले कुछ सालों के दौरान सुशांत ने कुछ ऐसी दवाइयां जरूर ली थी जो घबराहट को दूर करने वाली थी, लेकिन ये कह देना कि वो डिप्रेशन के मरीज थे ठीक नहीं है। इससे पहले डॉक्टर सुजेन वॉकर मुंबई पुलिस के सामने भी अपना बयान दे चुकी है। उस बयान में डॉक्टर सुजेन ने सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात कही थी। ऐसे में अब जब एक बार फिर से सुजेन सीबीआई के सामने बयान देने आई है, तो उनका बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल यही है कि सुजेन ने मुंबई पुलिस के सामने जो बयान दिया था, क्या वही बात सीबीआई के सामने भी दोहराई है। इस लिहाज से डॉक्टर सुजेन वॉकर का बयान इस केस की दिशा तय करने में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है।